और अच्छा बहुत अच्छा बाग कर कैच किया और इस तरह थाले ने दोबारा बॉलिंग का खेलना शुरू किया। एम्पायर को क्रॉस किया, आरिफ को बॉल करवा रहे हैं। आरिफ ने उठा दिया और 6 रन के लिए बहुत ही बड़ा छक्का, जितनी तारीफ की जाए कम है। आरिफ की जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही बड़ा और बुलंद मार छक्का। और दूसरी बॉल के लिए और ये दोबारा खेल दिया है 1 रन के लिए और एक ही बनेगा। बहुत ही अच्छी इमाम भाई की फील्डिंग, यकीनन 2 रन थे पर उन्होंने बचा लिया। बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन दे दी, 1 रन भी उन्होंने साले मोहम्मद को नुकसान से बचाया। साले मोहम्मद टू हमजा गुल, साले मोहम्मद ने भागना शुरू किया और एम्पायर को क्रॉस करते हुए वेल बॉल फेंकी। ओ हमजा गुल ने बॉल को उठा दिया, यकीनन 1 ही रन मिला हमजा गुल की रनिंग बहुत ही ज्यादा सुस्त लगता है। आरिफ भाई को खिलाना चाहते हैं हमजा भाई, अच्छा प्रोग्राम है और इस तरह खुद क्रीज पे खड़े होंगे तो ये इनकी टीम के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कैप्टन खुद खड़ा होता है तो टीम का हौसला बुलंद होता है। और इस तरह साले ने आया बॉल की, अच्छी बॉल की खेल दिया है। इमाम भाई बाउंड्री के अंदर है, दूसरे ओवर के लिए अभी कोई पहला ओवर चल रहा है। साले ने दोबारा दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया। अली असर भाई आए दूसरे ओवर, अली असर का सामना करेंगे हमजा गुल। अली असर ने भागना शुरू किया और एम्पायर को क्रॉस करते हुए ये बॉल फेंकी, वो हमजा गुल ने उठा दी। लगता है ओ फील्डिंग 1 रन का इजाफा, शायद बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, शायद भाई जान लगा रहे हैं, पर लगता है मेरी तरह थोड़ा मोटे हो गए हैं, मगर जान तो बहुत अच्छी लगा रहे हैं, लेकिन अपने मोटे होने का एहसास नहीं दिला रहे हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, एक केस भी पकड़ चुके हैं। दोबारा आए अली हसन बॉल की मुकाबला, अबे यार बाल बाल बचे, अच्छी बॉलिंग का नजारा। अली हसन भाई ने दूसरी बॉल बीट कराई, कोई रन नहीं दिया, कोई बैट्समैन की समझ में भी नहीं आया कि कौन सी बॉल फेंक रहे हैं। तीसरी गेंद आई, बॉल करवाई, अच्छा अच्छा बॉल है और ओहो क्या हो गया, 1 रन का इजाफा। एक रन इस दौरान हो चुका है तो अब स्ट्राइक पर हमजा है और सामना अली हसन करेंगे, अली हसन वर्सेस हमजा। अली हसन आए बॉल की, अच्छी बॉल थी, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, तो ये वाइड हो गई है। हमजा गुल परेशान खड़े हुए हैं, एम्पायर को इतना बॉल फेंकी हुआ, हमजा गुल ने उठा दी बॉल को, यकीनन 1 रन का इजाफा हमजा गुल भाई की। फील्डिंग थोड़ी हमेशा से सुस्त और थोड़ी सुस्त रही है, फील्डिंग बहुत अच्छी थी, सीधा बॉल फील्डर के हाथ में गया तो इस तरह 1 रन फ्री बन सकती थी, तो उसका फायदा उठाया। दोबारा बॉल की पैर को क्रॉस किया, वाइड बॉल, वाइड बॉल का इशारा। बोला सर बड़ा अच्छा स्टार किया, सुपर स्टार काबिल 11 ने। दूसरा ओवर जारी है, दोबारा आए अली हसन, बॉल को क्रॉस किया, बॉल की
और ये और वाइट बेस्ट टू बेस्ट पॉइंट आ रही है। शायद भाई आए अपने बॉलर को समझा रहे हैं, लगता है कोई मशवरा दे रहे हैं काम करेगा या नहीं, ये तो हम भी नहीं कह सकते। अली हसन ने दोबारा दौड़ में शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की उठा दिया। और ये भी अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, 4 रन यकीनी है, यकीनी 4 रन है। वेरी गुड सनिया, बधाई है। दादा भूरा खान ने सनावला को 100 रुपए और दे दिए। सनावला भाई क्या तुम्हारी बात है, 28 रन आए 2 ओवर में, 28 रन 2 ओवर, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अली हसन का यकीन ओवर भारी पड़ा है, 16 रन दिए अली हसन ने, विकेट तो ली है अली हसन ने लेकिन ओवर में थोड़ा लगता है कुछ, सॉरी अली हसन ने सर कोई विकेट नहीं दी, सॉरी साले मोहम्मद ने विकेट दी थी, मेरा नाम अली हसन ने इस अपने ओवर में 16 रन दिए क्योंकि छोटा टारगेट है, उनको अपनी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। और सादिक भाई आए हैं बॉलिंग पे, सादिक ने पैर को क्रॉस किया बॉल की और ये बॉल भी शायद होना, शायद हमारे शिखर को जोने जाके पेशमान है, बॉल भी शायद बेटा ही नाम दिया सनावला के लिए 100 रुपये। बॉल वापस फेंकती, लगता है बॉल सही नहीं है, चेक कर रहे हैं। अंपायर को क्रॉस किया, बॉल फेंकी अंपायर को, बॉल अच्छी बॉल थी, बहुत ही अच्छी बॉल थी। अगर LBW का रूल होता तो ये यकीन है LBW थे, दोबारा एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की हमजा को, हमजा ने उठा दिया और सीधा फील्डर के पास, तो एक ही रन बन जाएगा। तो इस तरह इस ओवर में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सादिक और यही तो होगी उनके कैप्टन शायद को, क्योंकि टारगेट छोटा है तो लंबी चौड़ी बॉलिंग करनी पड़ेगी। आदित भाई ने अपने भुजवा की तरफ इशारा करते हुए भागना शुरू किया, बॉल की ये भाई उठा लिया, बल्ला फेर करे बच गया, बहुत ही अच्छा मौका मिल गया भाई सनावला भाई, आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। इस दौरान एक ही रन बना, इनको 2 रन बन सकते थे, और कीपर की कुछ समझ में नहीं आया, लगता है कि वो कह रहा है कि सामने सूरज आ रहा था, रोशनी आ रही थी और इसलिए कुछ समझ में नहीं आया, और सूरज को हम कुछ नहीं कर सकते। साधक भाई परेशान चक्कर लगा रहे, गोल गोल बताने क्या हो गया है, साधक ने तैयार हो रहे हैं बॉल करने के लिए, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया बॉल की, सामने हमजा है, एम्पायर की तरफ देखना होगा और ये वाइट बॉल, दोबारा सादिक भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की, सामने हमजा और अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग बैट्समैन, और इस तरह दोबारा सादिक ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की, सामने हमजा और ये तीसरी गेंद मिस कर दी हमजा ने, जितनी तारीफ की जाए सादिक की कम है क्योंकि बहुत ही उमदा ओवर करवाया इन्होंने, बहुत ही कम रन बने और हम एजाज से देखेंगे कितना स्कोर है। और इस ओवर में सिर्फ 3 रन से बने हैं, जितनी तारीफ की जाए सादिक की कम है, सिर्फ 3 रन 6 गेंदों पर दिया है, अब
शायद भाई ने फैसला किया है सदाम भाई को ओवर कराने के लिए। सामने करने वाले हैं सनावल्ला भाई। ओ ये सनावल्ला ने उठा दिया बॉल, लगता है यकीनन बाउंड्री से बाहर हो गई। ये पहली बॉल से बहुत ही जबरदस्त एम्पायर ने छक्के। वेरी गुड सनिया, सनिया सौ रुपया इनाम आ गया है। सनावला भाई आपके लिए अला बचा है साहब ने सौ रुपये का इनाम दिया है। सदाम भाई बॉल करो की बॉल फेंकी और सदाम एक रन का इजाफा। बॉल तो बहुत अच्छी उठाई थी लेकिन फील्डर बहुत दूर थे, यकीनन खतरा तो था आपका भाई को लेकिन फील्डर थोड़े दूर थे इसलिए बहुत अच्छा मौका मिल गया आपका भाई को। सदाम भाई ने शुरू किया भागना शुरू किया एम्पायर को क्रॉस कराते हुए। ओ अच्छा गोल ने, ओ सॉरी शॉट सकर दी।